जिस तरह से आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका जो मीडिया पे डिपेंडेंट है, यानी कि मीडिया उनको जो दिखाती है वो उसी पे विश्वास करते हैं। एएमयू में पिछले 3 दिन से जो धरना चल रहा है, इसके पीछे क्या वजह है ये अभी तक लोगों को क्लियर नहीं हो पाया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस धरने के पीछे आखिर क्या वजह है। कुछ लोग इसको जिन्ना के पोर्ट्रेट से कंफ्यूज हो रहे हैं और कुछ लोग और तरह की वजह बता रहे हैं। ये जो जहां तक बात है पोर्ट्रेट वाली, तो वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के एक एमपी हमारे वाइस चांसलर को लेटर लिखते हैं और फिर हमारे वाइस चांसलर उस लेटर का जवाब भी देते हैं और वो वहां तक बात खत्म हो जाती है, वो खुलासा हो जाता है कि वो पोर्ट्रेट वहां पर क्यों है और उस पोर्ट्रेट को वहां पर क्यों होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी ये ट्वीट करते हैं कि एएमयू जो है वो टेररिस्ट का हब है और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज का एक हब है। उसके बाद यहां पर अलीगढ़ का एसएसपी को ट्रांसफर किया जाता है और एक नया एसएसपी यहां पर लाया जाता है। और जब वो एसएसपी आते हैं उसके बाद फिर जो है सुब्रमण्यम स्वामी एक ट्वीट करते हैं कि समबडी शुड टीच एएमयू अ लेसन, हु विल डू इट। और इस ट्वीट के जस्ट 12 घंटे बाद ये देखा जाता है कि 20 से 25 हिंदू युवा वाहिनी के लोग यहां पर आते हैं कैंपस के अंदर और वो यहां आने के बाद हमारे यहां के सिक्योरिटी गार्ड से उनकी वो क्लैश होती है और उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ भी, तो स्टूडेंट्स उनको वहां पे रोकते हैं और फिर उनको वहां से भगा दिया जाता है। उसमें से 5-6 लोगों को पकड़ा भी गया था और जो उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। उस दरमियान ये होता है कि पुलिस उनको छोड़ देती है और फिर वो लोग 50-60 लोग दोबारा से तकरीबन 2 बजे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ यहां आते हैं, जबकि ये बात सबको पता था कि एक दिन पहले ही इंडिया के एक्स वाइस प्रेसिडेंट जनाब हामिद अंसारी साहब यहां पर मौजूद थे और उनके मौजूद होने की खबर सबको थी। तो वो पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही थी और वो वहां से फुल प्रोटेक्शन के साथ एएमयू कैंपस के अंदर आते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स फिर से उनको रोकते हैं और फिर स्टूडेंट्स और उनके बीच में क्लैश होती है और वो स्टूडेंट्स को बंदूक और लाठियों से डराते हैं धमकाते हैं, लेकिन वो दोबारा से वापस चले जाते हैं। अब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स एक एफआईआर लिखते हैं। एफआईआर लिखने के बाद सारे स्टूडेंट्स मिलके पुलिस को वो एफआईआर देने के लिए जा रहे होते हैं। इसी दरमियान रास्ते में पुलिस पूरे फोर्स के साथ स्टूडेंट्स को रोक लेते हैं। रोकने के बाद जब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आपने हमें क्यों रोका, तो पुलिस फायर करती है। फायर करने के बाद स्टूडेंट्स में अफरा तफरी मच जाती है, जिसमें पुलिस जो है बिल्कुल ब्रूटली स्टूडेंट्स पे अटैक करते हैं और खास करके हमारे स्टूडेंट्स लीडरान पर, मशकूर अहमद उस्मानी, मोहम्मद फहद सेक्रेटरी जो है, प्रेसिडेंट हैं हमारे, वाइस प्रेसिडेंट हमारे, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, सब पे वो अटैक करते हैं। और इसको लाठीचार्ज बिल्कुल ना कहा जाए क्योंकि वो ब्रूटली अटैक है, क्योंकि लाठीचार्ज तो बॉडी पे होता है और वो उनके सर पे मारते हैं, उनको बुरी तरीके से मारते हैं, बिल्कुल जख्मी, खून बह रहा है सबका। तो तकरीबन 40 से 50 लोग उसमें जख्मी हो जाते हैं। तो ये जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा अब ये है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो हिंदू युवा वाहिनी है या आरएसएस है या विश्व हिंदू परिषद है, ये लोग हर एक यूनिवर्सिटीज में इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। और चूंकि हामिद अंसारी साहब यहां मौजूद थे और हामिद अंसारी साहब इससे पहले भी ये बोल चुके हैं कि हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं वो सेफ नहीं है, इस वजह से वो पहले से ही उन पर नजर रखे हुए हैं। और अब ये बहुत अच्छा मौका था उनके लिए कि वो यहां आते और उनको अटैक करते, लेकिन उनका ये मकसद कामयाब नहीं हो पाया। स्टूडेंट्स उनके खिलाफ खड़े हुए और ये लड़ाई इसी की है कि पुलिस उनको सपोर्ट कर रही थी और पुलिस ने एफआईआर करने से रोका, जो कि हमारा लीगल राइट्स का वायोलेशन है। तो ये लड़ाई इस बात की है। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप अफवाहों पे ना जाएं। ये जिन्ना के पोर्ट्रेट को लेकर के बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है, वो मुद्दा खत्म हो चुका था, वो बात खत्म हो चुकी थी। वो तो यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका एक पब्लिसिटी स्टंट था, वो बात वही खत्म हो गई। उसके बाद जो ये लोग एक बड़ी साजिश रच रहे थे, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। बहुत बहुत शुक्रिया।